दोस्तों, इस शुक्रवार को मूवी रिलीज हुई है पानीपत। जी हाँ, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की मूवी रिलीज हुई है पानीपत, जिसके स्टार कास्ट में है अर्जुन कपूर और संजय दत्त। आज बात करेंगे इसी मूवी के बारे में, क्या यह मूवी देखने लायक है या नहीं, क्या कुछ खास बात है इस मूवी के अंदर। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस मूवी को देखने का, तो आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं या फिर आपको दोगुना मजा आने वाला है इस मूवी को देखने में। तो दोस्तों, देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी रिलीज हुई है यूए सर्टिफिकेट के साथ। इसका मतलब है अंडर एडल्ट, यानी कि दोस्तों 12 साल से नीचे के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ अलाउड है, उनकी गाइडेंस में ही ये मूवी देख सकते हैं। दोस्तों, मूवी का जॉनर रखा गया है हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा। दोस्तों, जब से बाहुबली मूवी रिलीज हुई है, इसी तरह की मूवी बन रही है, साउथ में हो या फिर बॉलीवुड में हो, इन्हीं तरह की मूवी का ट्रेंड है कि किसी भी हिस्ट्री पर उठा लो और मूवी बना दो। दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं पानीपत मूवी की। आपको बता दूं कि पानीपत मूवी की स्टोरी या पट कथा जो है वो लिखी गई है पानीपत की तीसरी लड़ाई के ऊपर, जो कि लड़ी गई थी अफगानिस्तान के शहनशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मूवी देखने लायक है या नहीं। अरे दोस्तों, घबराइए मत, मूवी देखने के बाद आपका ऐसा ही कुछ रिएक्शन होने वाला है कि यार ये मूवी मैं देखने क्यों आया। जी हाँ, सही बता रहा हूं आपको, मूवी के अंदर कुछ भी देखने लायक मुझे तो नहीं लगा। मूवी की अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, तो परफॉर्मेंस भी तो तभी होगी कि किसी के लिए कुछ काम होगा मूवी के अंदर। किसी के लिए भी कोई भी काम, कोई भी इंटरेस्टिंग रोल नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सके कि यार इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दोस्तों, अगर अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस और एक्टिंग की बात करें, तो रणवीर सिंह ने जो बाजीराव मस्तानी में काम किया था, उसके आगे अर्जुन कपूर की ये परफॉर्मेंस कहीं पर भी नहीं ठहरती। दोस्तों, यहाँ जो क्रेडिट मिलता है वो मिलता है सारा डायरेक्टर को, संजय लीला भंसाली, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी डायरेक्ट की थी और उन्होंने कैरेक्टर पर जो काम किया था, जो उन्होंने लहजा पकड़ा था, मराठी टच जो पकड़ा था, वो बहुत ही बढ़िया था। बट यहाँ पर आशुतोष गोवारिकर उसको पकड़ने में फेल हुए हैं, सीधे सीधे शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं यार सारे। अगर आप उस स्केल की मूवी बना रहे हैं, आपने बाजीराव मस्तानी देखी है, आपने पद्मावत देखी है, उसके अंदर की परफॉर्मेंस देखी है, तो इस मूवी के अंदर सबकी परफॉर्मेंस आपको फीकी नजर आएगी, क्योंकि किसी के लिए इतना काम है ही नहीं मूवी के अंदर। पता नहीं ये मूवी बनाई क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो भैया हम तो किताब पढ़ लेंगे, मूवी देखने क्यों जाएंगे। खिलजी में जो रणबीर सिंह ने जो एक्टिंग करी थी, उसके सामने अगर संजय दत्त की ये परफॉर्मेंस देखें, अहमद शाह अब्दाली के रूप में जो एक खूंखार अफगानी शहनशाह था जिसने काफी लूट मचाई थी इंडिया में आकर, तो वो उस कैरेक्टर को, मैं कहूंगा कि उस कैरेक्टर में बिल्कुल भी नहीं ढल पाए हैं, या फिर कहिए डायरेक्टर का फॉल्ट है, सारा का सारा डायरेक्टर का फॉल्ट है कि जितने भी कैरेक्टर इस मूवी के अंदर है, किसी के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग काम मूवी में था ही नहीं। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ कि काफी मजा आएगा। जो अहमद शाह अब्दाली है, संजय दत्त, उनके चारों तरफ जितने भी सिपाही हैं वो सारे अफगानी बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत लगता है उनको देखे कि अफगानी बोल रहे हैं, बट संजय दत्त शुद्ध हिंदी में बातें कर रहे होते हैं वो, जो कि काफी अजीब लगा मुझे। तो दोस्तों, फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत ज्यादा बोरिंग है, कुछ भी नहीं है, रिपीट, ऐसा आप कितनी बार, कितनी मूवी में देख चुके हैं, कितनी बार देखोगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। उसके बाद आता है सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में पूरा सेटअप होता है कि इंटरवल का बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है, बट जब सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है फिर से वही रोना धो, फिर से वही स्टोरी सेम स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं है मूवी में। मूवी में लड़ाई भी कब आती है, जब मूवी खत्म होने से 20 मिनट पहले मूवी में लड़ाई है, और मूवी में इस तरह की भी कोई लड़ाई नहीं है जिस तरह की बाहुबली में थी, या फिर पद्मावत का जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन था उसमें क्या जबरदस्त लड़ाई थी। बाजीराव मस्तानी की तो आप भूल ही जाइए, कहीं पर भी ये मूवी स्टैंड नहीं करती हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा। जितनी भी आपने मूवी देखी है पिछले टाइम में या पिछले साल में, ये मूवी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती। एक्शन सीन की अगर बात की जाए, तो एक्शन मूवी के अंदर तो है ही नहीं, पहली बात, ना के बराबर लड़ाई है। दोस्तों, जिस तरह का मूवी का हाइप था और जिस तरह के मूवी के डायरेक्टर हैं आशुतोष गोवारिकर,
और जिस तरह की ये मूवी निकल के आई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 2019 की सबसे बड़ी फ्लॉप होने वाली है, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है इस मूवी को देखने के बाद। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट मेरी रहेगी इस मूवी के ऊपर, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मूवी आपको डिसअपॉइंट ही करने वाली है, कुछ भी नहीं है मूवी के अंदर, डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाना चाहते तो दोस्तों आपकी मर्जी। और दोस्तों अगर आपने मूवी देख ली है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी मूवी। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़ते रहिए इसी चैनल के साथ, साथ में जोड़ते रहिए दूसरे लोगों को भी। बाय बाय, थैंक यू।